रहे हैं, अब खा कर रखते करते हैं। ये तो बहुत अच्छा है। अभी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वापस से एक नए वीडियो में आप सभी लोग का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे स्वस्थ और मस्त होंगे। फ्रेंड्स, हमारे पीछे जो कटहल का पेड़ देख रहे हैं, अभी इसमें बहुत सारा कटहल लगा हुआ है, जो कि आज इसका सब्जी बनाएंगे, जो कि देसी स्टाइल में बनेगा। तो बने रहिए वीडियो में आप लोग। फ्रेंड्स, यही हमारा कटहल का पेड़ है, आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा है। बहुत सारा अभी फल लगा हुआ, देखिए यहाँ पर भी लगा हुआ है और वहाँ पर भी लगा हुआ है, इस तरह से ऊपर में भी पूरा लगा हुआ है। पहले इसमें बहुत सारा फल फलता था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस काम होता जा रहा है। तो चलिए फटाफट से इसको तोड़ते हैं और सब्जी बनाते हैं। फ्रेंड्स, हमने कटहल तोड़ लिया है, देख सकते हैं कि इतना बड़ा कटहल तोड़ा है, जो कि इसका वेट कम से कम आधा केजी का ज़रूर होगा। तो चलिए थोड़ा प्रोसेस करते हैं सब्ज़ी बनाने का। फ्रेंड्स, इसको इस तरह से आप काट लेते हैं। इस तरह से दो पीस अलग कर लिए हैं। इसको और छोटा छोटा टुकड़ा कर लेते हैं, ताकि इसको बॉईल करने में आसानी होगा। ये इस पोर्शन को हटा देते हैं, ये वाला, क्योंकि ये काफ़ी कठोर होता है, खाने में सही नहीं रहेगा, तो अभी नहीं हटाएंगे, जब बॉईल हो जाएगा उसके बाद इसको काट के हटा देंगे। इस तरह से इतना छोटा टुकड़ा करके रख लेते हैं। इतना सारा काट लिए, चलिए अब इसको बॉईल करते हैं। फ्रेंड्स, अभी इस कटहल को अब इसमें पानी में डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। इसमें ये इसमें पूरा डाल दिए हैं, अब इसमें ढक्कन लगा देते हैं। अब इसको चूल्हा में डाल देते हैं बॉयल होने के लिए। फ्रेंड्स, ये बॉयल हो चुका है, देख सकते हैं कि इस थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है। अब इसको खाली करके इस टोकरी में रखते हैं। दोस्तों, भी निकाल लिए हैं। ये वाला इसको साइड इसको हटा देना पड़ेगा, क्योंकि ये खाने लायक नहीं होता है, इसको हटा देना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये वाला भी पोर्शन काफ़ी कठोर होता है, तो इसको भी हम लोग काट के अलग कर देते हैं। तो चलिए फटाफट से इसको प्रोसेस करते हैं। दोस्तों, अभी इसको छुरी से हटा के इसको हटा देंगे, खाने का अच्छा लगेगा, फिर इसको सब्जी बना के खाएंगे। ये लो पकड़ा। देखिए, इस तरह से हम छील लिए हैं इसको, ऊपर वाला हटा दिए हैं। अब इसको ये वाला भी काट दिया है इस तरह से, फिर इसको छोटा छोटा पीस में कर लेंगे। देखिए, दिखाओ वहाँ। दोस्तों, अभी इसको हटा दिए हैं, खाने के ठीक आएगा। चलिए अब रख देते हैं। फ्रेंड्स, देखिए सब कुछ छील के अलग कर दिए हैं, अब इसको बारीक बारीक छोटा छोटा टुकड़ा में कटिंग करते हैं। अब इसको छोटा छोटा टुकड़ा में इस तरह से काट लेंगे। इस तरह से बारीक बारीक छोटा छोटा टुकड़ा में पीस कर लेते हैं।
फ्रेंड्स, हमने मसाला तैयार करने के लिए इधर थोड़ा सा लहसुन ले लिए हैं, और इधर जीरा है और इधर गोलकी है। चलिए इसको मसाला को भी पीसते हैं। फ्रेंड्स, अब सब्ज़ी बनाने के लिए इधर मसाला का सामान इकट्ठा कर लिए हैं। इधर जो अभी दिखाए थे कि वो मसाला पीस रहे थे, वो इधर तैयार कर लिए हैं। ये वाला मसाला इधर है, और इधर टमाटर इधर रख लिए हैं, और इधर प्याज है। इधर कढ़ाई जला चुके हैं, अब इस कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालते हैं। उधर हल्दी डाल चुके हैं फ्रेंड्स, इधर नमक भी डाल दिए हैं। इधर मसाला भी फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स, देखिए किस तरह से मसाला एकदम मस्त भुना रहा है। इधर लगता है आज पूरा टेस्टी बनेगा। फ्रेंड्स, इधर कटहल को भी डाल दिए हैं, अब इसको अच्छे से मिला देते हैं। मस्त फ्राई हो रहा है फ्रेंड्स, कुछ देर लगेगा अभी और इसको अच्छे से फ्राई होने में। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसको रोटी के साथ खाना है, इसलिए इसको थोड़ा सूखा ही रखेंगे। ये फ्राई हो चुका है फ्रेंड्स, अब इसमें ऊपर से डालने के लिए धनिया रखे हुए हैं। ये धनिया इसको काट के भी इसमें मिक्स कर देंगे तो टेस्टी और इसमें बढ़ जाएगा। डॉक्टर, भी रोटी बन रहा है, रोटी हो जाएगा तब खाना खाएंगे। काफी टेस्टी बना है, ज्यादा पानी नहीं दिए हैं। सब्जी रहेगा, अभी खाएंगे। चलो अब रोटी निकालो। तो अभी खाना जा रहे हैं, अब खा के रखते हैं। करते हैं, ये तो बड़ा अच्छा है। अच्छा बना, बहुत टेस्टी। दोस्तों, हम लोग को वीडियो अच्छा लगा था, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जरूर कीजिएगा। बाय बाय। थैंक यू। थैंक यू। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे।